वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर आलिया जैदी फॉर डाटा बेस सिस्टम्स ऑन बिहाफ़ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर विद लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस जिसमें हमने इनर जॉइन आउटर जॉइन और आउटर जॉइन की डिफरेंट टाइप्स को देखा था स्टूडेंट्स हमने जॉइंस के बारे में जो लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा हम न्यू लेक्चर आज जो लेंगे वो हम लेंगे सेट ऑपरेशंस का स्टूडेंट्स जो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि ऑपरेशन सेट ऑपरेशंस एंड जॉइंस दोनों का डिफरेंस एक्चुअल क्या है तो स्टूडेंट्स हमने जॉइंट्स जो पढ़े थे सबसे पहले डिफरेंस बताने के बाद हम सेट ऑपरेशंस को देखेंगे कि एक्चुअली जॉइन को रिवाइज कर लें के जॉइन कैन बी यूज टू रिट्रीव मास्ट रिकॉर्ड्स बिटवीन बोथ टेबल्स और मोर टेबल्स एंड इट्स रिजल्ट सेट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स और सर आपने इसमें देखा था कि इट इज़ नॉट रिमूव डुप्लिकेट डाटा बट ऑन द अदर हैंड यूनियंस और आप इसमें सेट ऑपरेशन में यूनियंस इंटरसेक्शन डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स जो हैं वो भी देखेंगे तो हम स्टार्ट uh, करेंगे uh, सेट ऑपरेशन से जो हमारा आज का लेक्चर है वट इज सेट ऑपरेशन इन एस क्यूएल स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसका पर्पज देख लेते हैं कि सेट ऑपरेटर्स आर यूज टू कम्बाइन द रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट्स इन टू वन सिंगल रिजल्ट आउटपुट समाइम्स यू वॉन्ट अ सिंगल आउटपुट फ्रॉम मोर देन वन टेबल And if you join the tables, the rows that meet the join criteria are returned. But what if a join will return a result set that does not meet your needs? This is where set operators come in. They can return the rows found in multiple select statements, the rows that are in one table and not the other, or the rows common to both statements. See here the setting stage. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस ऑपरेटर्स ये जो टेबल है हम इसको सेट करेंगे इस सिंपल से स्टेज में और फिर इसके बाद इस पर इसके सेट ऑपरेटर्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे यू कैन सी देयर आर टू सेट्स ए एंड बी एव वन टू थ्री फोर फाइव एलिमेंट्स एंड बी हैव फोर फाइव सिक्स सेवन एट एलिमेंट और इन रियलिटी टू टेबल्स वन कार्ड ए एंड वन कार्ड बी टू दोनों के नेम आप देख सकते हैं कि इसके स्टेज को हमने इस तरह से सेट किया कि टेबल ए अंडर स्कोर आई डी ये हमारा कॉलम नेम हो गया जिसमें हमने इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट किया एंड टेबल बी बी अंडर स्कोर आई डी इसके इसका कॉलम नेम है जिसमें हमने इसके एलिमेंट्स फोर फाइव सिक्स सेवन एट को सेट कर दिया इसके स्टूडेंट्स कुछ रूल हैं सेट ऑपरेशंस के जिनको हमें फॉलो करना है उसके बाद हम यूनियन को देखते हैं कि इसके रूल्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट रूल है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द डाटा टाइप्स ऑफ द कॉलम्स मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट्स यूज्ड इन द क्यूरी द सेकंड रूल ऑफ रूल ऑफ दिस ऑपरेशन इज द नेम्स ऑफ द कॉलम्स नीड नॉट बी आइडेंटिकल कॉलम नेम्स एंड द आउटपुट आर टेकन फ्रॉम द कॉलम नेम्स एंड द फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट So any column aliases should be entered in the first statement as you would want to see them in the finished report. Let's see the first uh, operator set operator that is union union can be used to combine the result set of two different select statements or union may have the number of columns <laughs> and data types should be same. स्ट्रेंड्स हम यूनियन को देखेंगे इसके यूनियन में सेट ऑपरेटर्स में जो सबसे पहला ऑपरेटर यूनियन है इसकी दो टाइप्स आप हम देखेंगे एक यूनियन इसकी अलग से क्यूरी देखेंगे एंड यूनियन ऑल दोनों यूनियन एंड यूनियन ऑल की अलग अलग आप क्यूरी देखें सबसे पहले यूनियन ऑपरेटर रिटर्न ऑल रॉज फ्रॉम बोथ टेबल्स सिंपल फिगर में आप देख सकते हैं जैसे आपने ज्वाइंट्स में हमने इसी टेबल इसी फिगर्स को फॉलो किया था कि आप देखें कि जो यूनियन हो रहा है तो दोनों जो टेबल हैं टेबल ए एंड टेबल बी दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है मिक्स हो रहे हैं बट वहाँ से अभी हमने डिफरेंस देखा कि वहाँ तो डाटा टाइप्स डिफरेंट थी बट यहाँ पे डेटा टाइप्स सेम होना ज़रूरी है ये इसकी कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होने चाहिए एंड डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं कि वहां पे भी वहां हमारे पास डर टाइप्स और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं थे एंड डर टाइप्स भी सेम नहीं थी तो जॉइंस में बट यूनियन में दोनों चीजें सेम हैं सो so, इसको हमने इस फिगर में देख लिया और इसकी सिंपल सी एक आ, क्योरी है उसको हम देखते हैं सेलेक्ट ए अंडर स्कोर जो कि हमारा कॉलम, न, कॉलम नेम था फ्रॉम ए ए इज द टेबल नेम यूनियन अब स्टूडेंट्स जैसे हम जॉइंट में राइट कर रहे थे इनर जॉइन राइट आउटर जॉइन या इस तरह से सिंपल कीवर्ड हमने राइट किया इसी तरह से हमने सेलेक्ट स्टैरिक कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम और उसमें हमने उस जो ऑपरेटर जो ऑपरेशन अपने अप्लाई करना है वो राइट कर देंगे जैसे यूनियन सिंपल यूनियन का वर्ड राइट किया और उसके बाद हमने किसको को जॉइन करवाना किस किसको यूनियन करना है ए के अंदर सेलेक्ट बी आई डी मीन्स के बी का जो हमारे पास कॉलम नेम था बी आई डी फ्रॉम टेबल नेम बी तो इस तरह से हमने टेबल ए का कॉलम वन टेबल बी के कॉलम वन के साथ यूनियन कर दिया ये लग पाता है कि अभी हमारे पास इन दोनों टेबल्स में एक एक कॉलम्स हैं तो इस तरह स्टूडेंट्स रिजल्ट ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स अब देखिए फोर एंड फाइव दोनों में डुप्लीकेट हो रहे थे तो इस तरह से हमने एलिमिनेट कर दिया इन फोर एंड फाइव को और हमने इनको एक सीक्वेंस में ऑर्डर कर दिया है यानी इसका रिजल्टेंट टेबल क्या हुआ वन टू थ्री और जो आपको रेड कलर में आप आ, इनको फिगर में देख रहे हैं कि फोर फाइव उसके बाद सिक्स सेवन एट को रीड करेंगे और आप इसको सेट में देख सकते हैं कि सिंपल हम इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जो है वो यूनियन इसका राइट कर सकते हैं एंड इफ़ यू जॉइन ए एंड बी यू वुड गेट ओनली फोर फाइव यू वुड हैव टू परफॉर्म अ फुल आउटर ज्वाइन टू गेट द सेम लिस्ट एज अब जब हम ज्वाइन की बात करेंगे स्टूडेंट्स अभी मैंने कहा कि एक तो यूनियन है और एक यूनियन ऑल है तो यूनियन ऑल में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कौन से कॉमन थे दोनों तरफ जैसे फोर फाइव जो थे वो ए में भी कॉमन ए में भी आ रहे थे एंड बी में भी आ रहे थे अब हमने पहले जो था जो यूनियन सिंपल किया उसमें हमने फोर फाइव को डुप्लीकेट राइट right नहीं किया बट यूनियन ऑल जब करेंगे तो पहले हम जो हमारा सेट ए है यानी हमारा टेबल ए है उसके तमाम एलिमेंट्स को राइट करेंगे और उसके फ़ौर बाद जो है जो सेकेंड हमारा टेबल है या हमारा सेकेंड जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स को चाहे उसमें डुप्लिकेशन आ रही है या नहीं बट इन सीक्वेंस हम सब तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो राइट करेंगे तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यूनियन ऑल ऑपरेटर रिटर्न ऑल रोज फ्राम बोथ टेबल्स दोनों की तरफ से रोज लेगा और फुल जो एलिमेंट्स है उठा लेगा विदाउट एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स आई थिंक इट शुड बी क्लियर इसकी क्यूरी को देखते हैं सेलेक्ट ए अंडरस्कोर आईडी इट इज अ कॉलम नेम फ्रॉम ए यूनियन हमने पहले राइट किया था अब हम यूनियन ऑल करने जा रहे हैं तो हम यूनियन ऑल लिखेंगे और इसमें डुप्लीकेशन होंगी सेलेक्ट बी आईडी फ्रॉम बी दोनों क्यूरीज के दरमियान में हमने यूनियन लगाया यूनियन ऑल किया द रिजल्टेंट ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी विदाउट एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल एज यूनियन में डुप्लीकेट्स जो है वो नहीं हो रहे बट यूनियन ऑल में डुप्लीकेट्स आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन जैसे अभी हमने देखा था कि जी इंटरसेक्श इंटरसेक्ट जो है वो भी हमारे पास सेट ऑपरेटर में आता है और इसी फिगर से आपको इंटरसेक्शन जो है वो शो हो रहा होगा कि जैसे लास्ट फिगर्स में आपने देखा कि ए एंड बी जो है वो दोनों रेड कलर में आपको नज़र आ रहे थे एंड उनके दरमियान जो कॉमन थे फोर फाइव जो एलिमेंट्स थे वो कॉमन थे वो भी आपको सेंटर में नज़र आ रहे थे बिल्कुल मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा दूँ कि ये देखें यूनियन ऑल में आप देखेंगे ये तो आपके पास डुप्लीकेशन है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर फाइव जो है वो आपको जो डुप्लीकेट हो रहे थे वो यहाँ नज़र आ रहे थे बट इंटरसेक्ट में स्टूडेंट्स अब ए एंड बी दोनों को uh, जो है कलर लेस कर दें और फोर फाइव जो आपके पास uh, है कॉमन uh, जो है उनको उठा लें सो इंटरसेक्शन क्या है ऑपरेटर रिटर्न करता है तमाम रोज जस्ट कॉमन जो दोनों टेबल्स में आपके पास कॉमन है जस्ट उनको रिटर्न कर देते हैं हम जल्दी से इसकी क्यूरी बस देख लेते हैं सेलेक्ट ए आई डी ए देखिए हम अभी तक वही क्यूरीज चलाते आ रहे हैं और इसमें सिर्फ कीवर्ड जो चेंज आ रहा है जैसे वहाँ हमने यूनियन राइट किया एंड यूनियन ऑल राइट किया यहाँ हम सिंपल इंटरसेक्ट राइट करेंगे और इंटरसेक्ट राइट करने से हमारे दोनों ये जो इसका रिजल्ट आएगा वो कॉमन ऑफ बोथ ए एंड बी जो है वो शो हो जाएगा दैट इज फोर एंड फाइव ओके स्टूडेंट माइनस को देखते हैं माइनस इज आल्सो एन सेट ऑपरेटर स्टूडेंट्स माइनस ऑपरेटर रिटर्न ऑल रोज़ फाउंड इन वन टेबल बट नॉट द अदर अब ए एंड बी आप माइनस करने जा रहे हैं तो आपको ये इसकी जो रिजल्टेंट की है क्यूरी है वो रिटर्न करेगी ए की रोज़ जो के नहीं है बी के अंदर सबसे पहले इसकी क्यूरी देखें कि वही सेलेक्ट ए आई डी स्टायरिक तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे ना क्योंकि हम एक रो एक कॉलम ही है हमारे पास तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम को माइनस करने जा रहे हैं फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी तो हम सिंपल राइट कर देंगे इनके दोनों की इसके सेंटर में माइनस और फिर रिजल्ट ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स हमें पता है कि वन टू थ्री फोर फाइव सेट ए है पूरे लेक्चर में हमने वो फर्स्ट स्लाइड पे देखा था जहाँ पे हम सेटिंग स्टेज कर रहे थे वन टू थ्री फोर फाइव एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जो है वो हमारे पास सेट बी है तो स्टूडेंट्स हमने जब माइनस करना है ए को बी में से तो आप देखें कि हमारे पास लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन ए बट नॉट बी इज़ वन टू थ्री देखिए हमारे पास बी में फोर uh, फाइव था वन भी नहीं है बी में टू भी नहीं है बी में थ्री भी नहीं है बी में तो हमने उनको लिस्ट कर लिया उसके बाद रिजल्ट ऑफ बी माइनस ए जब हम करेंगे तो हम बी के एलिमेंट्स को एक एक को उठाएंगे जैसे फोर है फाइव है सिक्स है तो इस तरह से मतलब फोर फाइव सिक्स ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे फोर फाइव दोनों एलिमेंट्स ए में भी हैं बी में भी हैं तो इसका मतलब कि बी माइनस ए में फोर फाइव नहीं आएगा लेकिन सिक्स भी नहीं है ए में सेवन भी नहीं है ए में एट भी नहीं है जो एलिमेंट्स बी में नहीं हैं वो हमारे पास बी माइनस ए के रिजल्ट में आ जाएंगे स्टूडेंट सेट ऑपरेटर के डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि इफ यू आर सेलेक्टिंग रोज फ्रॉम टेबल्स दैट टू नोट हैव कॉलम्स इन कॉमन यू मे हैव टू क्रिएट योर ओन कॉलम्स इन ऑर्डर टू मैच द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द क्यूरीज द इजीएस्ट वे टू डू दिस इज टू इंक्लूड वन और मोरनल वैल्यूज इन दिलेक्टेड लिस्ट रिमेंबर टू गिव ईच वन असूटेबल एलियस एंड मैचिंग डेटा टाइप सेट ऑपरेटर में स्टूडेंट्स एम्प्लॉय टेबल जो अभी तक हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कंटेन अ हायर डेट एम्प्लॉय की हायर डेट एम्प्लॉय आई डी एंड अ जॉब आई डी इसको हम एग्जाम्पल्स में लेके चलते हैं द जॉब हिस्ट्री टेबल कंटेन्स एम्प्लॉय आई डी एंड जॉब आई डी बट डज नॉट हैव अ हायर डेट कॉलम द टू टेबल्स हैव द एम्प्लॉय आई डी एंड जॉब आई डी इन कॉमन बट जॉब हिस्ट्री डज नॉट हैव स्टार्ट डेट क्लियर हमने पहले सेट ए और सेट बी के डिफरेंट छोटे छोटे वन टू थ्री फोर फाइव तक कॉलम्स एंड इसी तरह फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक कॉलम्स लेके चले हैं उसी चीज को हम एक्चुअली एम्प्लॉय टेबल पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं यू कैन यूज द टू नल फंक्शंस टू क्रिएट मैचिंग कॉलम एज इन द नेक्स्ट स्लाइड सी हियर सेट ऑपरेटर एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल uh, ली है सिलेक्ट हायर डेट हायर डेट के बारे में हमने बात की थी कि हायर डेट जो है वो ऐड करने जा रहे हैं हम हायर डेट इज कॉलम नेम एम्प्लॉय आई डी इज अ कॉलम नेम जॉब आई डी इज अ कॉलम नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज इनका हमने यूनियन करना है सेलेक्ट टू डेट टू डेट नल है फिलहाल हमारे पास एम्प्लॉय आई डी जॉब आई डी फ्रॉम जॉब हिस्ट्री ओके okay, स्टूडेंट्स आप इस एग्जांपल को देखें कि सेट ऑपरेटर एग्जांपल में हमने जैसे अभी बात की है कि हायर डेट जो है सेकंड टेबल में नहीं है हमने सेलेक्ट किया हायर ड्रेड को इम्प्लॉ आईडी और जॉब आईडी डी में से और हमने टू डेट जो है जो हमारे पास दूसरी डेट है इसके अंदर टेबल हिस्ट्री जॉब हिस्ट्री टेबल के अंदर वो नहीं है तो हम उसको नल क्रिएट कर देंगे एम्प्लॉ आई डी जॉब आई हिस्ट्री टेबल में है तो हम इनको यूनियन करेंगे कि बाकी देखिए आप इसका रिजल्टन टेबल साथ ही शो हो रहा है कि हाईड्रेड एम्प्लॉ आई डी एंड जॉब आई तो यहाँ पर कम्बाइन हो चुका है यूनियन हो चुका है बट जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जॉब हिस्ट्री के अंदर डेट नहीं है हाइड्रेड जो जॉब हिस्ट्री के अंदर नहीं है तो हमने उसको नल शो कर दिया है तो इस तरह से ये आपस में यूनियन हो चुके हैं स्टूडेंट्स कीवर्ड नल कैन बी यूज्ड टू मैच कॉलम्स इन अ सेलेक्टेड लिस्ट वन नल इज़ इंक्लूडेड फॉर ईच मिसिंग कॉलम जहाँ जहाँ पे कॉलम नहीं होगा मिसड होगा वहाँ पे हम नल का वर्ड जो है वो राइट करते हैं फर्दर मोर नल इज़ फॉर्मेटेड टू मैच द डाटा टाइप ऑफ द कॉलम इट इज़ स्टैंडिंग इन फॉर सो टू करेक्टर टू डेट और टू नंबर फंक्शन आर यूज टू अचीव आइडेंटिकल सेलेक्ट लिस्ट फ्रेंड्स ऑर्डर बाई क्लास के थ्रू जो है सेट ऑपरेशन को किस तरह से करेंगे इफ यू वांट टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ द रिटर्न रोज वन यूजिंग सेट ऑपरेटर इन योर क्यूरी द ऑर्डर बाई स्टेटमेंट मस्ट ओनली बी यूज वंस इन द लास्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट इन द क्यूरी यूजिंग द प्रीवियस क्यूरी एग्जाम्पल वी कुड ऑर्डर बाय इम्प्लॉय आई डी टू सी द जॉब्स इच इम्प्लॉय हैज हेल्ड सी द क्यूरी हर सेलेक्ट हायर डेट इम्प्लॉय आई डी जॉब आई डी फ्रॉम यू इम्प्लॉयज एंड यूनियन सेलेक्ट टू डेट नल इम्प्लॉय आई डी जॉब आई डी फ्रॉम जॉब हिस्ट्री सेम क्यूरी यहाँ तक लास्ट स्लाइड वाली है जस्ट आपने रइट क्या है ऑर्डर बाय एम्प्लॉई आई डी एम्प्लॉ आई डी के आ, उसमें हम इसको सीक्वेंस कर देते हैं हमने शॉर्टिंग वाला लास्ट टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में जिसमें हमने कहा था ऑर्डर बाई अ ग्रुप बाई क्लास के थ्रू जो है हम शॉर्टिंग करते हैं तो स्टूडेंट हम इम्प्लॉ आई डी की बेस पर ऑर्डर बाय करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप इम्प्लॉई आई डी को आप देखेंगे कि हंड्रेड वन ज़ीरो वन वन जीरो वन वन जीरो वन एंड वन ज़ीरो टू और थ्री फोर सेवन फोरटीन जो है उसके थ्रू ये यूनियन तो हुआ है बट यूनियन में आपको आपने हमने लास्ट टाइम देखा है लास्ट साइड्स में कि यूनियन में डुप्लीकेट्स नहीं आते यूनियन ऑल में डुप्लीकेट्स आएंगे तो इस तरह से जो है ये हमारे पास यूनियन हो चुका है दोनों जो हमारे टेबल हैं एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय जॉब हिस्ट्री इन दोनों को यूनियन इसने किया है बट सीक्वेंस किसके किया है या ऑर्डर बाय किससे किया है एम्प्लॉयी आई की बेस पर So we could improve the readability of the output by including the start date and end date columns from the job history table to do this. We could need to match the column in both queries by adding two more to date null columns to the first query. Okay, see here select hire date employee ID to date null start date to date null end date. जॉब आई डी डिपार्टमेंट आई डी अब हमने इसमें न्यू कॉलम्स जो हैं वो ऐड किए विद नल के साथ टू डेट एंड टू डेट नल के साथ सो फ्रॉम एम्प्लॉयज से हमने और इसी तरह यूनियन में भी हमने टू डेट नल किया था पहले सिर्फ डेट को और अब हम यहाँ पे इसमें जॉब आई डी एंड डेट स्टार डेट ये सारा डिपार्टमेंट आई डी भी ऐड करेंगे और फिर इसको यूनियन करके ऑर्डर बाई इम्प्लॉय आई डी करेंगे सी द रिजल्ट ऑफ दिस क्यूरी सेट ऑपरेशंस ऑर्डर बाय की क्यूरी को आप देख सकते हैं एक तो एम्प्लॉयी आईडी को सबसे पहले अगर आप देखें तो ये ऑर्डर हुआ हुआ है हो चुका है एम्प्लॉ आईडी बाय नंबर दूसरा जो एंड डेट है और स्टार्ट डेट है जिनकी तो अवेलेबल नहीं थी वो हमारे पास आ चुके हैं नल में और जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो जो हमारी डेट्स है स्टार्ट डेट जो है और एंड डेट जो है एंड डेट नहीं बल्कि स्टार्ट डेट जो है उसके थ्रू भी ऑर्डर हुआ हुआ है इक्कीस सेप्टेम्बर ट्वेंटी वन सेप्टेम्बर नाइनटीन एटी नाइन फिर ट्वेंटी एट अक्टूबर नाइन्टीन एटी नाइन एटी थ्री सॉरी नाइन्टी एंड थर्टीन जन नाइनटीन तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब ये सीकवेंसड हो चुकी हैं और सॉल्टिंग भी साथ साथ हो रही है हमारी यूनियन के साथ साथ ऑर्डर बाई क्लॉज के थ्रू स्टूडेंट हम इन तमाम अभी इसी टॉपिक को हमने एक और टॉपिक अभी देखना है इस टॉपिक को समराइज़ अगर करते हैं कि तो हमने इस लेक्चर के अंदर इस टॉपिक में जो अभी सेट बाय ऑपरेशंस देखा वो था सेट ऑपरेटर्स करता है कंबाइन मल्टीपल क्योरीज इनटू अ सिंगल क्योरी एंड कंट्रोल करता है ऑर्डर ऑफ रोल्स को बाय uh, सेट ऑपरेटर्स हमने इंटरसेक्शन को देखा यूनियन को देखा यूनियन ऑल को देखा माइनस को देखा एंड स्टूडेंट हमने इंपॉर्टेंट ऑपरेटर एक था टू करेक्टर नल मैच करना था सिलेक्टेड लिस्ट को और उसमें हमने इसमें यूनियन और यूनियन ऑल में हमने टू करेक्टर्स को नल के भी इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखा श्रेंड अभी थोड़ा सा टाइम है तो हम एक और टॉपिक जो है उसको देख लेते हैं यूनियन इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट क्लॉज यूनियन इंटरसेक्ट एक्सेप्ट क्लॉज आर यूज टू कम्बाइन और एक्सक्लूड लाइक रोज फ्राम टू और मोर टेबल्स दे आर यूजफुल वैन यू नीड टू कम्बाइन द रिजल्ट फ्राम सेपरेट क्यूरीज इन टू वन सिंगल रिजल्ट दे डिफर फ्राम अ जॉइन इन दैट एंटायर रोज आर मैस्ड एंड एज अ रिजल्ट इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्राम द कम्बाइन रिजल्ट आपने यूनियन इंटरसेक्शन ऑलरेडी देख लिया है बट हम इसको एक्सेप्ट के साथ थोड़ा कंपेरिजन करके क्यूरीज के क्यूरी एक देखेंगे इसकी छोटी सी एक कंडीशन है दिज ऑपरेटर्स कैन बी यूज ऑन एनी क्यूरी हावर आर कपल सिंपल ऑफ कंडीशन मस्ट बी मैट द नंबर एंड ऑर्डर कॉलम मस्ट बी द सेम इन बहुत क्यूरीज डेट अ टाइम मस्ट बी द सेम और कंपेटेबल अभी सेम चीज़ें हमने देखी यूनियन में आप देख सकते हैं सिंपल जैसे हमने अभी पहले यूनियन की जो क्यूरीज हैं वो अप्लाई की हैं सेम इज़ देअर यूनियन ऑपरेटर बो टेबल्स को रिटर्न करेगा इसमें डुप्लीकेट्स जो हैं वो आ, जो है वो नहीं आएंगे आप देख सकते हैं कि जैसे सिलेक्ट वंडर एक न्यू टेबल के साथ आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल को सिलेक्ट वंडर वी नेम फ्रॉम वेंडर वी यूनियन करेंगे और इस तरह से हमारे पास ये क्यूरी जो है वो जनरेट करेगी विदाउट डुप्लीकेट नंबर इंटरसेक्ट हमने देखा था कि इंटरसेक्ट में हमारे पास सिर्फ जैसे हमने यूनियन किया था तो हमारे पास कॉमन जो है वो नहीं आए थे कॉमन आए थे बट डुप्लीकेट्स नहीं हुए थे बट इंटरसेक्ट में सिर्फ वो कॉमन आ जाएंगे बाकी सारे जो हैं वो एक्सक्लूड कर देंगे हम इसी तरह स्टूडेंट एक्सेप्ट ऑपरेटर है अब एक्सेप्ट एक एकसे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है यहाँ पे इट रिटर्न्स ओनली रोज फाउंड इन द लेफ्ट क्यूरी इट रिटर्न्स यूनिक रोज from the left query that are not in the right queries result. This query is useful when you are looking to find rows that are in one set but not another. For example, I create uh, to create a list of all vendors that are not customers you could write. Select vendor name from vendor v except select customer name from customer c ऑर्डर बाय नेम नेम के थ्रू हमने करना है तो हमने एक्सेप्ट क्या कर देना है कस्टमर नेम है वेंडर नेम है हमने कोई ऐसा कस्टमर नेम नहीं लेना तो हमने स्पेशली एक्सेप्ट कर दिया है कि आप कस्टमर नेम हमारी इस क्यूरी के अंदर वेंडर नेम में क्रिएट नहीं करें ओके स्टूडेंट्स हमने विजुअल एक्सप्लेनेशन इस पूरे लेक्चर की सिंपल इस पिक्चर में देखें तो आपको ये तमाम पूरा लेक्चर समराइज हो जाएगा लाइक like हमने यूनियन देखा यूनियन को आप देख सकते हैं कंबाइन करेगा रोज को फ्रॉम बर्थ क्यूरीज यानी वन टू और कॉमन यानी ए टेबल ए टेबल बी और कॉमन ठीक है इंटरसेक्ट क्या करेगा आप इसको सिंपल ये ऑरेंज एंड पर्पल को देख सकते हैं कीप ओनली रोज इन कॉमन टू बर्थ क्यूरीज सिंपल इसकी क्यूरी से आपको क्लियर हो जाएगा इसकी पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा है कि इंटरसेक्ट क्या कर रहा है कॉमन को पिक कर रहा है एक्सेप्ट क्या कर रहा है हमने एक स्पेशल कंडीशन दी की पोज फ्रॉम लेफ्ट क्यूरी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट क्यूरी लेफ्ट को पकड़े दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट क्यूरी आई होप कि आपको ये सेट ऑपरेटर्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे विद एक्सेप्ट ऑपरेटर यूनियन यूनियन ऑल इसके अलावा हमने यूनियन ऑल के बाद हमने इंटरसेक्ट को पढ़ा माइनस को भी देखा एक्सेप्ट को भी देखा दीज ऑल आर सेट ऑपरेटर्स और सेट ऑपरेटर्स की हमने बात पहले की थी कि सेट ऑपरेटर्स आर मेनली यूज टू कंबाइन द सेम टाइप ऑफ डाटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स, ऑल दो मोर देन वन सेलेक्ट स्टेटमेंट विल देन द प्रेजेंट ओनली वन रिजल्ट सेट इज रिटर्न आई होप ऑल इज क्लियर नाउ थैंक यू अल्लाह हाफिज